एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद डेसिमल। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 और आज हमें यहाँ से पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशम मार्ग के बारे में जाना था कि इसकी जो तकनीक थी उसका आविष्कार किसने किया था, चीन के द्वारा किया गया था। काफी समय तक जो है उन्होंने इसको छुपा के रखा और उसके बाद धीरे धीरे जब रेशमी जो कपड़े थे वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापारियों के माध्यम से जाने लगे तो इसका पता जो है सभी देशों को लगा। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार, किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। तो हमने ये बात भी जान ली थी कि कुषाण जो थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वो जारी किए थे और कुषाणों ने पेशावर और मथुरा ये दो जो है शक्तिशाली केंद्र बनाए थे। तो इनका जो प्रमुख राजा था कनिष्क, इसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित, इसके रचनाकार कौन है, कवि अश्वघोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर जो है तीन तरीके के क्वेश्चन निकल के आएंगे कि बुद्ध चरित में जो है किसका वर्णन है, महात्मा बुद्ध की जीवनी का, ठीक है, महात्मा बुद्ध की जीवनी है। और इसके रचनाकार कौन है, उसके रचनाकार अश्वघोष है। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी हुई है, ध्यान रखना संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इस तरीके से जो है इस लाइन में ही आपके कई क्वेश्चन बन गए। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब जो है संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इस समय यानी किस समय, कनिष्क के समय। तो कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो दो जो धारा थी, एक थी पुरानी हीनयान और दूसरी जो धारा थी वह थी महायान। तो हीनयान में तो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उनकी पूजा होती थी। अब जो है यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति बनने लगी और उसकी भी पूजा होने लगी। इसकी जो है दो प्रमुख विशेषताएं थी। तो मैंने आपको बताया कि पहले जो है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी जो है निर्वाण प्राप्ति को जो पीपल का पेड़ है, ठीक है, इसकी मूर्ति द्वारा दर्शाया गया। और अब जो है वो बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी। इनमें से अधिकांश जो है वो मथुरा में तो कुछ जो है तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मथुरा जो है एक धार्मिक केंद्र और एक जो है आर्थिक केंद्र भी रहा है। तो यहाँ पर जो है हिंदुओं की ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं और इसके अलावा महात्मा बुद्ध को मंदिर भी जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा परिवर्तन क्या आया महायान में, बोधिसत्वों में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किसे कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, बोधिसत्व। बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना है ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना करना। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी ये फैला। इस तरीके से जो है बौद्ध धर्म का विकास हुआ और जो है दूसरे जगहों पर ये फैला। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो ध्यान रखनी है कि कनिष्क के समय महायान धारा जो है उसका विकास हुआ और इसमें दो परिवर्तन, दो विशेषताएं जो है वो देखने को मिली। एक तो जो है वो बुद्ध की जो है मूर्तियां बनने लगी, उनकी प्रतिमाएं बनने लगी, उनकी पूजा होने लगी, और दूसरा बोधिसत्व में आस्था। और इधर साइड में देखें, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है, ये आप देख सकते हो, ये सांची के स्तूप का है, ठीक है। और सांची का स्तूप कहाँ है तो ये आप सभी जानते हो, कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो, मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये क्या है, ये जो है वो वृक्ष है, ठीक है, पीपल का वृक्ष है। और ये बताया गया है कि इसके नीचे जो है वो बैठकर महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई, दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी।
ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता था, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो दक्षिण पूर्व में तो फैला ही, ठीक है, और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के जो अन्य भाग है वहां पर भी ये फैला। यहाँ पर देखो साइड में लिखा हुआ है बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र और दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच में जो है क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ये जो है बाएं साइड में आप देख सकते हो ये वाली मूर्ति है, ठीक है, और दाएं साइड में जो है वो किसकी, तक्षशिला में, ठीक है। इस तरीके से अंतर तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मथुरा में जो मूर्ति बनी थी वो आप देख रहे हो खड़ी प्रतिमा है, ठीक है। और दूसरा अंतर जो है इसमें क्या है, यहाँ आपको जो है वो वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये भी अंतर है। तो मेन जो अंतर है वो यही है, तक्षशिला में जो है वो महात्मा बुद्ध की जो है वो बैठी प्रतिमा दिखाई दे रही है और मथुरा में जो है वो खड़ी प्रतिमा बनी। नेक्स्ट देखो, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो है वो क्या था, वह था थेरवाद। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में है कार्ले की गुफा। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, तो व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे, बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री किसे कहेंगे, तो वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं उनको हम कहेंगे तीर्थयात्री। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाइशियान काफी प्रसिद्ध है और यह करीब 1600 साल पहले आया। वहीं पर स्वेन सांग जो है वह 1400, यानी इनको हम वेन सांग कहेंगे, वेन सांग 1400 साल पहले भारत आया और इसके करीब 50 साल बाद जो है कौन आया, इत्सिंग आया। तो यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगी, क्रम से आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री आया और उसके बाद कौन सा आया। तो सबसे नंबर वन पर जो है वह है फायान, ठीक है, या फाइशियन, इस तरीके से ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है स्वेन सांग या वेन सांग जिनको हम कहते हैं, और उसके बाद आया इत्सिंग। तो ये क्रम में ध्यान में रखना। वे सब बुद्ध अध्याय 6 के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें भी अपने साथ ले गए। तो अब साथ ले गए हैं तो वहां के लोगों को भी महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिली। इस तरीके से जो है बुद्ध की जो जीवनी है और बुद्ध की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जो है जो दूसरे देश हैं उनको जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। ऐसे बौद्ध धर्म फैला। फाइशियन चीन वापस कैसे लौटा, तो यहाँ पर जो है उनकी जो कहानी दी गई है कि ये चीन वापस कैसे आया। तो फाइशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की, बंगाल से शुरू की और वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे दो दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाइशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनको नहीं फेंका जिन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान इकट्ठा किया था। अंततः 13 दिनों के बाद जो आंधी रुकी उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया, समुद्र असीम है, सूर्य चांद तारों की गति को देखें बिना यह पता लगाना पाना असंभव है कि पूर्व किधर या पश्चिम दिशा किस तरफ है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा का समय लगा। वहां वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो कैसे जो है वो चीन पहुंचा ये बताया गया है। स्वेन सांग या वेन सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की जो लकड़ी है इनकी बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया पर उनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी जो है वो उसने पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। तो
तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि कौन सा चीनी जो यात्री था उसने जो है सिंधु नदी को पार किया था और उसकी नाव जो है वो उलट गई थी, ठीक है। और इसी दौरान जो है जो कुछ पांडुलिपियां इकट्ठी की गई थी उस यात्री के द्वारा वो खो भी गई थी, तो ध्यान रखना है वह है स्वेन सांग या वेन सांग। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी भाषा में जो है अनुवाद करने में लगा दिया। अब हम पढ़ेंगे नालंदा के बारे में। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था, जैसे कि तक्षशिला था। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। स्वयं सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक जो है योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे, बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं, मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है, पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से जो है नालंदा के बारे में जो है उसकी विशेषताओं के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब देखिए, हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया कैसे जो है उसका विकास हुआ, कैसे फैला, और अब हम पढ़ेंगे भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता जो है वो शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता। भक्ति का अर्थ जो है सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो एक लाइन इम्पोर्टेंट है कि किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से लाइन जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ में, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ जो है भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखो, इसका जो है एक भाग है। किसका? भगवत गीता जो है किसका भाग है? महाभारत का भाग। इसमें और इसमें क्या है? तो इसमें जो है भगवान कृष्ण और अपने भक्त मित्र अर्जुन, इनको सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। तो यहाँ पर जो है वो आप दाएं हाथ पर देख सकते हो, वराह के रूप में जो है विष्णु की जो है वो मूर्ति है। एरन मध्य प्रदेश की शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था और यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। फिर देखें भक्ति के बारे में लिखा है कि भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है, ठीक है। संस्कृत के भज शब्द से बना है, उसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति क्या है? झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य या सुख की भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। तो यहाँ पर भक्ति का अर्थ ही क्या है? बांटना या हिस्सेदारी। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, इसमें जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो लाइन रहेगी आपकी याद करने के लिए, नोट करने के लिए, वो क्या रहेगी? तो यहाँ देखो, अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपार जो है वो एक वेलाल था, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट, बस ये लाइन है आपकी इम्पोर्टेंट। एक शिव भक्त था अपार, और उसने जो है किस भाषा में? तमिल भाषा में जो है कविता लिखी थी, और ये एक वेलाल था।
नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं इनकी आराधना करूंगा क्योंकि वो मेरे ईश्वर समान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में जो है किसको महत्व देते हैं, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को महत्व देते हैं, ये भी भक्ति को महत्व दे रहे हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही क्या कहते थे, मंदिर। तो मंदिर किसको कहेंगे, मंदिर वो एक विशेष जगह होती है जहां पर जिस देवी देवता को हम पूज रहे हैं उनकी मूर्ति को रखा जाता है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा। अब देखिए हिंदू शब्द को यहाँ पर वर्णित किया गया है, यह शब्द जो है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए उपयुक्त होता है। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, अन्यत्र में देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म जो है इसका उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म जो है कहाँ हुआ, तो बैतलहम में हुआ, ये ध्यान में रखनी है लाइन, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया, उन्होंने दूसरों को प्यार देने, उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास के लिए करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। तो ईसाई धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, बाइबल है, जिस तरीके से हमारी रामायण होती है। ठीक है, यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, तो बाइबल का एक अंश दिया गया है कि धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होती हैं, जो दयालु हैं धन्य है क्योंकि उन्हें दया मिलेगी, धन्य है वे जो दिल से पवित्र है क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गई। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक और पश्चिम एशिया से आए। तो देखिए किसी भी बॉक्स को छोड़ना नहीं है, अन्यत्र में जो है इम्पोर्टेंट जो है आपको याद रखनी है कि ईसाई धर्म की जो पुस्तक है वह बाइबल है। ईसाई धर्म का उदय जो है पश्चिमी एशिया में 2000 साल पहले हुआ। ईसा मसीह का जन्म जो है वो बैतलहम में हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, उपयुक्त जोड़े बनाओ। चैप्टर आपने पढ़ लिया है और अब आप जो है आसानी से इसको कर सकते हो। दक्षिणापथ के जो है स्वामी किसे कहा गया, तो आपको सभी को पता है कि सातवाहन शासक जो है इनको कहा गया दक्षिणापथ के स्वामी। मुबेनदार जो है किनको कहा गया, तो मुबेनदार जो है तीन मुखियाओं का जो है समूह था, मुबेनदार, चोल, चैर और पांडे। ठीक है, अश्वघोष तो कनिष्क का जो है ये दरबारी था जिसने संस्कृत भाषा में जो है वो बुद्धचरित लिखी थी। बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या है, तो हमने पढ़ा था कि महायान में जो है दो विशेषताएं जो है, जो दो चेंजमेंट जो है आए थे, तो बोधिसत्व जो है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्वयं सांग जो है एक चीनी यात्री था। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे। ठीक है, तो ये सिल्क रूट की कहानी जो है वो हमने पढ़ी है, आप दोबारा से जो है वो चैप्टर में देखें कि मैंने आपको क्या समझाया। व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं, भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये सब हमने देख लिया है। महत्वपूर्ण तिथियां याद रखनी है कि रेशम बनाने की जो कला है इसकी खोज जो है वो कब हुई, तो 7000 साल पहले हुई। चोल, चैन, पांड्य, ठीक है, मुबेनदार लगभग 2300 साल पहले आए। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग जो है वो 2000 साल पहले हुई, जब सभी को पता लगा इसके बारे में। कुषाण शासक कनिष्क जो है इसका समय जो है 1900 साल पहले का है। मायान का जो है वो आगमन हुआ 1600 साल पहले। और स्वेनसांग जो है या वेनसांग जो है इसकी भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। ठीक है, और क्रम से जो है वो ध्यान में रखना ही है चीनी यात्रियों के बारे में, पहले पायान आया, फिर वेनसांग आया और उसके बाद इससे आया। तो चैप्टर हुआ कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ें, कम से कम जो है वो दो बार आप वीडियो को तो देखें ही, तभी आपको जो है हर चीज समझ में आएगी। छोटी क्लास समझ कर बार बार कहती हूँ, छोड़िए मत, कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि कहाँ से जो है वो प्रश्न आ जाए पता नहीं चलता है। ठीक है, और लेकिन प्रश्न जो है वह इन पुस्तकों में से ही आते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।